हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम आए हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में। यहाँ पर मामला काफी उलझा हुआ है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ के अधिकारी के खिलाफ है। उनका कहना यह है कि लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कई जगह शिकायत की है, अभी शिकायत का कोई हल निकला नहीं है। उनका कहना है कि यदि हमारे शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आगे जाके इस्तीफा दे देंगे। अब देखना यह है कि ये मामला भी कहां तक जाता है। मैं राकेश जैन राय से। जांच करा लीजिए सर, यदि व्यक्ति गलत होगा अंदर जाएगा नहीं, वो बाहर जाएगा। अंदर बाहर नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, घर की बातें घर में रखो आप लोग, वो ज्यादा बेहतर है। मैडम सर, यहाँ समस्या हमें ये हो रही है, जिस दिन से प्रशासनिक अधिकारी जिन शर्मा जी आए हैं, सबसे पहले तो सर पूरे सामाजिक न्याय विभाग के स्टाफ के सामने जिस दिन उन्होंने मुझसे प्रभार लिया था उस दिन भी उंगली दिखा दिखा कर उन्होंने मुझसे झगड़ा किया था, और कलेक्टर साहब का डर देकर कि मैं कलेक्टर जाऊँ और मेरी ऊँची मेरे मंत्रियों से बहुत ज़्यादा पहुँच है और मैं तुझे तो यहाँ से जल्दी से निकलवा दूंगा और जल्दी से मेरा प्रभार छोड़ दे, ना तो मैं तुझे सही कर दूंगा। ये करके सर उसने सबके पूरे विभाग के सामने मेरे से बदतमीजी करी। उसके बाद भी सर ये क्या यहाँ पे कार्यालय में यहाँ पे आके बैठने के बाद भी वो मुझे बार बार कुत्ते कमेंट की, आप बहुत अच्छी दिखती हो, आपका फिगर बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, इस टाइप के सर इनके गंदे शब्द होते हैं। और सर दिव्यांगों को भड़का कर उनको भी गलत बोलने के लिए हिम्मत दे दें कि वो भी पर आके गलत गलत आरोप लगाएं और गंदगी से बात करें। क्या नाम है आपके अधिकारी का? सर मेरे अधिकारी का नाम प्रशासनिक अधिकारी विजय शर्मा है। क्या नाम है आपका? सर आभा गुप्ता। क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि मैं यहाँ पर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पे पदस्थ हूँ विगत 7 वर्षों से। सर मेरा काम है दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी देना और उनकी जो भी आवश्यकता है उनको फुलफिल करना। क्योंकि सर मेरे पास सभी टाइप के दिव्यांग आते हैं, जो कि हाथ पैर टूटे हों या नॉर्मल व्यक्ति भी जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वो भी आते हैं। क्योंकि सर मेरा काम है फिजिकल टच के बगैर मैं काम नहीं कर सकती, मैनुअली और इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू मेरा फिजियोथेरेपी वर्क होता है। यदि किसी इंसान के हाथ पे चोट आएगी तो मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं श्री ब्रजेंद्र कुमार शर्मा, उनको ये लगता है कि हम यहाँ पर टच थेरेपी देते हैं, उसको गलत तरीके से बाहर प्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। सर सभी लोग जानते हैं व्हाट इज फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में होता क्या है। तो यदि इस तरीके की हरकतें इनकी अभी भी रहती रही, और क्योंकि दिव्यांगों को ये लेकर आते हैं, दिव्यांगों को भड़काते हैं सर, ये बिल्कुल कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर स्पेशली महिला कर्मचारी हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। यदि इनको इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो DDRC के समस्त स्टाफ हैं सर, हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? सर हमने मंत्रालय से लेके डायरेक्टरेट से लेके कलेक्टर साहब, CO जिला पंचायत, ADM मैडम, इवन हमने अभी कल ही थाने में देकर आए हैं सर। महिला आयोग में भी हमारे एक कलीग ने जब अभद्रता का व्यवहार उन्होंने किया था तो उस टाइम उन्होंने महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की। क्या चाहती हैं आप? सर हम चाहते हैं कि यदि वो व्यक्ति रहेगा इसी तरीके के माहौल में रहेंगे तो हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ 10 वर्षों से पदस्थ सर ब्रजेंद्र शर्मा द्वारा मुझे धक्का दिया गया, मेरे समस्त स्टाफ के सामने मुझे मारने के लिए हाथ भी उठाया गया, मेरे प्रोटेक्ट के लिए सभी स्टाफ आया तो उन्होंने सबके सामने मुझे उंगली दिखाकर उसने यूं कहा कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा और बाद में मैं यहाँ को संचालक बनूंगा तो तुझे और तेरे साथ पूरे स्टाफ को मैं यहाँ से निकलवा दूंगा सर। और मैं एक दिन ब्लैक सूट पहनकर आई थी सर, विगत दो माह पूर्व, तो ब्लैक सूट में सर उनने मुझसे इस तरीके से कमेंट्स किया और बोलता है आप कतई जहर लग रहे हो मैडम, आपके इरादे क्या है। तो फिर मैंने उनसे रिपीट किया कि आप क्या बोल रहे हो, समक्ष में मेरे 2 पेशेंट भी खड़े थे सर कार्यालय में, तो उनने 2 पेशेंट के सामने मुझसे कहा कि आप मैडम कतई जहर लग रहे हैं। उनने पुनः रिपीट किया मेरा पूछने पर, मैडम आप कतई जहर लग रहे हैं और आपके इरादे क्या है, किसको गिराने के हैं सर। और वो मेरे स्टाफ के सामने मुझे ऐसे पीठ में इस तरीके से हाथ भी फेरता था, तो मुझे सर वो कुछ गलत लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर यास्मीन नसीर है, मोबिलिटी इंस्पेक्टर के पद पर मैं पदस्थ हूँ।